Hey guys, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे MIA2 के बारे में। MIA2 के अंदर अगस्त महीने का सिक्योरिटी पेच अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के साथ साथ दोस्तों आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, क्या कुछ बग्स फिक्स हुई है या फिर नहीं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी MIA2 यूजर्स को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है अगस्त सिक्योरिटी पैच अपडेट का। आपको मैनुअल तरीके से ही आपको ये अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप जाइए अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर, उसके बाद आपको अबाउट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। अबाउट वाला सेक्शन के ऊपर जाके आपको सिस्टम अपडेट के वाले ऑप्शन में जाना है, और वहां पर जाके आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 105 MB का ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मुझे नहीं लगता है ये अपडेट काफ़ी छोटा है, और मुझे नहीं लगता है कि इस अपडेट के साथ आपको कोई बग्स फिक्स हुई है या फिर कोई चेंजेस हुआ होगा। बस आपको सिक्योरिटी लेवल चेंजेस देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको MIA2 के अंदर किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और MIA1 के अंदर भी आपको इसी महीने की 21 से 30 तारीख के बीच में अगस्त महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको MIA2 के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है, या फिर कोई बग्स फिक्स हुई है या फिर नहीं हुई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। Thank you, keep support, keep love, have a good day.